किसी भी डिज़ाइन में एक बेहतरीन लुक देने के लिए फॉन्ट का सिलेक्शन बहुत ही अहम रोल करता है। यानी अगर आपने अपने फॉन्ट का सिलेक्शन बिल्कुल सही किया है तो फिर आपका डिज़ाइन सुपर से भी ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपने फॉन्ट का सिलेक्शन ही सही नहीं किया है तो फिर हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल TR बहादुरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फॉन्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी डिज़ाइन, बैनर या पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपको कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि फॉन्ट अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ही आपका डिज़ाइन खूबसूरत और बेहतरीन दिखने वाला है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार सिर्फ और सिर्फ एक या दो ही फॉन्ट होता है किसी डिज़ाइन में और वो डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन दिखता है। और उसी जगह पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा बैनर या पोस्टर होता है जिसमें तरह तरह के किस्म किस्म के बहुत सारे फॉन्ट डाले होते हैं, लेकिन वो आपका बैनर बिल्कुल बेकार दिखता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि फॉन्ट कितने तरह के होते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है और कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो नॉर्मली फॉन्ट के तीन ही किस्म होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में पांच किस्म के फॉन्ट के बारे में। नंबर 1 सेरिफ फॉन्ट, नंबर 2 सैंस सेरिफ फॉन्ट और नंबर 3 स्क्रिप्ट फॉन्ट। उसके बाद नंबर 4 है हमारा डिस्प्ले फॉन्ट और नंबर 5 पर है हमारा स्लैब सेरिफ फॉन्ट। ये है आपके पांच किस्म के फॉन्ट। नाम तो आपने जान लिया, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे और इनको कहाँ इस्तेमाल करना है, चलिए अब हम वो जान लेते हैं। तो इनको पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, चलिए एक एक करके हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा जो सेरिफ फॉन्ट है, इसका जो कोना होता है ना, इसके एजेस यानी इसका नोक और कोना, वो थोड़ा सा नोकीला होता है यानी बाहर की तरफ निकला होता है। और जो हमारा दूसरा है सेंस सेरिफ फॉन्ट, ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर इसका नोकीला कोना वगैरह नहीं निकला होता है, ये बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है, आप इस इमेज को देख के पहचान सकते हैं। तीसरा नंबर है हमारा स्क्रिप्ट फॉन्ट। इस फॉन्ट को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि इसमें लकीरें निकले होती हैं, यानी इसकी मूंछ और पूंछ निकली होती है, जिसे देख करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही साथ इस फॉन्ट को आप कर्सिव फॉन्ट भी बोल सकते हैं। नंबर 4 हमारा जो है डिस्प्ले फॉन्ट, इसको आप डेकोरेटिव फॉन्ट भी बोल सकते हैं। और इस फॉन्ट को पहचानने का तरीका ये है कि ये बोल्ड होता है और कुछ इसके फॉन्ट में ही डिज़ाइनिंग होती हैं, यानी इसको आप हेडिंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट ही ऐसे तरीके से बनाया गया होता है जिसको देखने के बाद लगता है कि इसमें डिज़ाइन अलग से किया गया है। और उसके बाद 5वां जो हमारा फॉन्ट है स्लैब सेरिफ फॉन्ट, ये फॉन्ट आपका बोल्ड तो होता है लेकिन साथ ही साथ कुछ कार्टूनिस्ट होता है, यानी फनी होता है। तो इसको भी देख करके आप पता लगा लेंगे, क्योंकि ये फनी होता है, स्टाइली इसका कुछ अलग होता है, ये किड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, याद रहे ये तो है फॉन्ट के किस्म और इनका अपना अपना रूल है, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी फॉन्ट को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे फॉन्ट को कहीं और इस्तेमाल कर देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप माहिर हैं, आपको पता है कि किस तरीके से किस फॉन्ट को कहाँ यूज़ करना है और उसको तोड़ मरोड़ के आप कुछ भी चाहें तो बना सकते हैं, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस फॉन्ट को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, यानी किस जगह पे कौन सा फॉन्ट हमारा इस्तेमाल होगा। आप पहले इसके इमोशन को समझिए, यानी हर एक फॉन्ट का एक अलग ही इमोशन होता है, तो इसके इमोशन के हिसाब से इन फॉन्ट को यूज़ किया जाता है। इस फॉन्ट को आप लग्जरी, एक्सपेंसिव, ब्रांडेड, प्रोफेशनल, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल बैनर बनाने के लिए आया है तो वहाँ पे आप इस फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर किसी लोकल आदमी के लिए, कम बजट वाले के लिए इस फॉन्ट का आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसको ये डिज़ाइन पसंद ही नहीं आएगा और वो बोलेगा कि आप डिज़ाइनर नहीं हो और ये तुमसे नहीं हो पाएगा। जो हमारा दूसरा फॉन्ट है सैंस सेरिफ, इसका इस्तेमाल डिस्क्रिप्शन या फिर इंफॉर्मेशन वगैरह लिखने के लिए होता है, यानी अगर आप कोई बैनर या पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें एक हेडिंग होगा, हेडिंग के बाद उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा उसकी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और डिस्क्रिप्शन यानी आप ये मेरा जो वीडियो देख रहे हो ना, इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे जो फॉन्ट आपको दिख रहा है वो फॉन्ट भी इसी कैटेगरी में आता है, और उसी के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके ज़रा सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किए हो तो, और लाइक तो कर ही दिए होंगे। एक चीज़ और याद रखिए, इस फॉन्ट को भी अगर आप बोल्ड या इटैलिक कर देते हो तो ये भी पहली वाली कैटेगरी में चला जाता है, जिसको हम सेरिफ फॉन्ट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर का फॉन्ट है स्क्रिप्ट फॉन्ट, जिसको आप कर्सिव फॉन्ट भी बोल सकते हो, इसका इमोशन तो खुद इमोशन ही है, जैसे ब्यूटी, लव, फीलिंग, लाइफ, माइंड, ये सब। इसको आप शायरी,
या फिर वेडिंग कार्ड में इस्तेमाल कर सकते हो कपल वगैरह का नाम लिखने के लिए। और इसके बाद जो हमारा 4 नंबर वाला फॉन्ट है डिस्प्ले फॉन्ट, इसका इमोशन होता है मॉडर्न, स्टाइलिश, स्पोर्टी, एनर्जेटिक। यानी अगर आपके पास कुछ इस तरीके का काम है जिसको डिज़ाइन करना है तो आप इस फॉन्ट को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे जिम या फिर हेल्थ का पोस्टर या बैनर। अब इसके बाद हमारा लास्ट और आखिरी जो किस्म है फॉन्ट का वो है स्लैब सेरिफ फॉन्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट के बारे में है, लेकिन एक बेहतरीन बैनर बनाने के और अलग से क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं उनको अगर आपको जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। स्लैब सेरिफ फॉन्ट का इमोशन फनी, इंजॉयबल, किड्स, स्कूल और पार्टी, ये सब होता है। यानी अगर आपके पास कुछ इस किस्म का डिज़ाइन करना है तो फिर वहाँ पे आप स्लैब सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अपनी स्किल को किस तरीके से अपग्रेड करना है और किस तरीके से एक बेहतरीन डिज़ाइनर बनना है उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखो।